Hello everyone, welcome to Insta Glasses. In today's session, we are going to discuss one important question on environment. So let's start with this question. Question में बोला गया है, what is the runoff coefficient? ठीक है, runoff coefficient क्या है? Basically, जो बारिश होती है, उसका कुछ portion जो है, वो surface पर travel करके जो है, आगे जा करके streams में मिलता है. तो कितना portion बारिश का, वो convert हुआ है, surface पर travel है, और कुछ portion जो है, infiltration में चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है. तो कितना portion जो है वो सरफेस पर ट्रेवल करता हुआ स्ट्रीम पे मिला है, उसी कोफिशिएंट को रन ऑफ कोफिशिएंट कहते हैं. ठीक है, इसी को इंपरमेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं. ए कंबाइंड सीवर ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज टू बी लेड. ठीक है, आपको एक कंबाइंड सीवर बनाना है. ठीक है, यू नीड टू मेक द कंबाइंड सीवर. और कंबाइंड सीवर जो आपको डिजाइन करना है, तो सीवर डिजाइन का मतलब जो होता है वो बेसिकली सीवर की आपको डायमीटर निकालनी है. जैसे ही डायमीटर निकाल दोगे, काम कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, कंबाइंड सीवर है, तो कंबाइंड सीवर का मतलब होगा इसमें कुछ ना कुछ तो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज आएगा सिटी से, और कुछ ना कुछ रेनफॉल वाला डाटा आएगा. तो QW प्लस QR, इन दोनों के लिए आपको जो है इसको डिजाइन करना पड़ेगा टोटल के लिए. दिस इज टू बी लेड इन एन एरिया ऑफ 100 हेक्टर. जो एरिया क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जिस सिटी की हम बात कर रहे हैं उसका एरिया 100 हेक्टर के बराबर है. ठीक है, विद द पॉपुलेशन, क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन गिवन है, दिस इज गिवन एज 90,000 की पॉपुलेशन है. और इस पॉपुलेशन में जो सप्लाई की जा रही है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ द सप्लाई गिवन इन द पॉपुलेशन इज 200 लीटर्स पर कैपिटा पर डे. ठीक है, दिस इज गिवन एज 200, द सप्लाई गिवन इज 200 LPCD. ठीक है, देखिए जरा, द इम्परमिबिलिटी फैक्टर, इम्परमिबिलिटी फैक्टर मतलब सेम रन ऑफ कॉफिशियंट आपको गिवन है. द रन ऑफ कॉफिशियंट के, इफ यू से दिस इज इक्वल टू 0.50, देखो मतलब समझो, 0.50 का मतलब क्या है, जितनी भी बारिश हुई थी, मान लो 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई, तो 5 सेंटीमीटर तो जमीन के नीचे चला गया और 5 सेंटीमीटर आपका सरफेस पर ट्रैवल करके आगे जा रहे हैं. ठीक है, एंड द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रेनफॉल टी गिवन है, द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 20 मिनट. ये आपका डाटा हेल्प करेगा जब हम रेन वाटर के कारण जो है डिस्चार्ज निकालेंगे. कैलकुलेट द साइज ऑफ द सीवर व्हेन इट हैज टू रन विद ए फुल वेलोसिटी. फुल, इट हैज टू रन फुल. पहली चीज तो ये रनिंग फुल गिवन है, यानी कि जब एरिया लेने का नंबर आएगा तो जो एरिया लिया जाएगा वो पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होगा. और वेलोसिटी सीवर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, दिस इज 0.3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी गिवन. एज्यूम द सुटेबल कॉफिशियंट फॉर ए एंड बी इन द इक्वेशन ऑफ आर. तो बेसिकली जो आपके पास में जो क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी है, जिसको मैंने पीसी सिंबल दिया था, तो उसकी कैलकुलेशन के समय आपको सुटेबल वैल्यूज लेनी है ए और बी की, और यहां पर आपको जो है सीवर को डिजाइन करना है. ठीक है, तो एक एक करके चीजों पे फोकस करते हैं. सीवर डिजाइन होगा द टोटल फ्लो क्यू इज इक्वल टू QW प्लस QR. तो सबसे पहले QW निकाल लेते हैं जरा, कि वेस्ट वाटर कितना आ रहा है. ठीक है, तो ध्यान देना, वेस्ट वाटर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, द वेस्ट वाटर, हाउ मच अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर इज कमिंग. ठीक है, देखो ध्यान दो, सप्लाई की बात करें तो 90,000 लोगों के लिए सप्लाई दी है, और हर एक आदमी को जो आपने पानी पहुंचाया है वो 200 लीटर्स पर कैपिटा पर डे है. ठीक है, तो 200 लीटर्स पर डे का मतलब हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600, ये सेकंड्स में आ गया. और लीटर को भी अगर कन्वर्ट करें तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 10^-3, ये मीटर क्यूब आ गया. तो इतना तो टोटल आपने सप्लाई किया है, ये एवरेज सप्लाई है. ठीक है, ध्यान दें, ये एवरेज सप्लाई है. और आपके पास में जो बेसिकली यहाँ पर हम मानेंगे कि सप्लाई जितनी भी होती है उसका लगभग 70-80% पार्ट जो है वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. घरों में जो पानी पहुंच रहा है, इंडस्ट्रीज में जो पानी पहुंच रहा है, तो जितना पानी पहुंचता है तो उसका लगभग 70-80% पार्ट वेस्ट होकर के बाहर निकल जाता है. तो लेट्स एज्यूम कि 80% पार्ट इसका वेस्ट हो गया, तो जितना सप्लाई था उस पर आप 80% का फैक्टर लगा देंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे. तीन से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये एवरेज कंडीशन में डिस्चार्ज मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, दिस विल बी द एवरेज डिस्चार्ज. और हम जानते हैं कि डिजाइन जब की जाती है तो मैक्सिमम के कोरस्पॉन्डिंग डिजाइन करते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टर ले लेंगे. तो ये आपका वेस्ट वाटर जो डिजाइनिंग में यूज होगा उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो इफ यू सॉल्व दिस, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.5 m³/s. ठीक है, तो आपको जो दो डिस्चार्ज लेने थे उनमें से एक डिस्चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया है कि QW जो होगा वो 0.5 m³/s के बराबर होगा. ठीक है, अब बात आती है किसकी, कि रेन वाटर के कारण कितना डिस्चार्ज आएगा. तो जिस तरीके का डाटा दे रखा है यहाँ पे रेशनल फार्मूला यूज कर सकते हैं. रेशनल फार्मूला कहता है कि QR जो होगा वो 1 बाय
36 मल्टीप्लाइड बाय के मल्टीप्लाइड बाय पीसी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, आप ये यूज कर सकते हैं। के का मतलब इम्परमिबिलिटी फैक्टर है, पीसी का मतलब द क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी है, और ए का मतलब है द अमाउंट ऑफ द एरिया। ठीक है, व्हाट इज द एरिया, तो एरिया गिवन इज व्हाट 100 हेक्टर्स, तो ये तो आपको 100 हेक्टर्स गिवन है। पीसी हम निकालेंगे सेंटीमीटर पर आर के अंदर, और के आपका इम्परमिबिलिटी फैक्टर है, दिस इज 0.5 गिवन। तो सारी की सारी कहानी पीसी पर आकर के निकलती है, जिसको क्वेश्चन में कैपिटल आर बोला गया है। तो दिस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी प्लस टी। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस टी। ठीक है, एज पर द डिजाइन कोड, इस समय जो डिजाइन के समय जो कुछ डिजाइन स्टेप्स यूज की जाती है वो क्या कहता है कि अगर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 5 मिनट से 20 मिनट के बीच में है, इफ इट लाइज बिटवीन 5 मिनट टू 20 मिनट, देन यू कैन से टेक द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 75 एंड बी इज इक्वल टू 10, यू कैन टेक दिस वैल्यूज। ठीक है, अगर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इफ इट इज मोर देन 20 एंड लेस देन इक्वल टू 100 मिनट, ठीक है, मिनट्स के अंदर, तो ए की वैल्यू को 100 लिया जाता है और बी की वैल्यू को 20 लिया जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर 20 मिनट मेंशन है, तो आप ए और बी की ये वैल्यूज ले लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी है वो आ जाएगा आपका ए, ए गिवन इज व्हाट 75 हम ले सकते हैं, और बी की वैल्यूज को 10 अज्यूम कर लो, दिस इज प्लस 20 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस विल गिव यू द क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी इन सेंटीमीटर पर आर, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी, इफ यू सॉल्व दिस इज कमिंग आउट टू बी 2.5 सेंटीमीटर पर आर। ठीक है, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर पर आर। नाउ लेट्स यूज दैट रैशनल फार्मूला। ठीक है, दिस रैशनल फार्मूला जिसको मैंने क्लासेस में डिराइव भी करवाया था, तो दिस इज 1/36 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ठीक है, इम्परमिबिलिटी फैक्टर इज गिवन, पीसी निकाला है अभी आपने, सेंटीमीटर पर आर में 2.5 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो ये रिजल्ट आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ जाएगा। इफ यू सॉल्व दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.47 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो दो डिस्चार्ज निकालने थे, एक तो रेनफॉल की वजह से, वो भी हमने निकाल दिया है। तो रेनफॉल की वजह से जो डिस्चार्ज अभी आपका आ रहा है वो है 3.47 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो टोटल जो डिजाइन डिस्चार्ज होगा इन दोनों को मिला करके वो हम यूज करेंगे, द टोटल डिजाइन डिस्चार्ज इज इक्वल टू वेस्ट वाटर के कारण प्लस रेनफॉल के कारण। ठीक है, तो कंबाइंड सीवर डिजाइन करना था, दिस वॉज 0.5 प्लस 3.47, तो दिस इज 3.97 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि कब तीन का फैक्टर लगेगा, कब चार का फैक्टर लगेगा, या तो क्वेश्चन के अंदर दे दें। ठीक है, कि वेस्ट वाटर के कारण जब आप जो कैलकुलेशन करोगे एवरेज का 4 times या 5 times से, तो ऐसे यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में डिजाइन डिस्चार्ज ही दे दें तो आपको किसी भी फैक्टर को लगाने की जरूरत नहीं है, डाटा से पता लगता है कि वो आपका एवरेज जो दिया गया है वो एवरेज है या फिर डिजाइन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता लगता है। तो यहाँ पर आपके पास में जो डाटा दिया गया था उससे एवरेज हमने डिस्चार्ज निकाला, मल्टीप्लाइड बाय 3 का फैक्टर लिया था कैलकुलेशन में, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो डिजाइन डिस्चार्ज इतना है, और ये जो डिजाइन डिस्चार्ज है दिस इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, और एरिया कितना है, एरिया इज व्हाट, पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर, एरिया ले लेंगे क्योंकि फुल फ्लोर है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकेंड है। तो इन दोनों को अगर बराबर करें 3.97 के बराबर, इस इक्वेशन को जब कर देंगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगी, द डायमीटर ऑफ द सीवर इज कमिंग आउट टू बी 4.10 मीटर। ठीक है, इफ यू सॉल्व दिस इज कमिंग आउट टू बी 4.10 मीटर, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।